गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 25th of July मॉर्निंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास. ओके, सो आज हमारा GS पेपर फर्स्ट का डे है. आज बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ. दिस 42nd हमारा एपिसोड हो चुका है इस सीरीज में, राइट. और सुबह सवेरे इस सीरीज का नाम है, आप प्लीज़ पीछे जाके सारे मेरे लेक्चर्स हैं वो देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, राइट. आपकी GS प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे. सो हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन अ GS पेपर वन. GS पेपर वन का सारा सिलेबस हम बता चुके हैं क्या होता है. उसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ. व्हाट आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ओके, डिस्कस द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. हमें पता ना मेनली कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन इतने जनरेट होते हैं इंडिया में और क्या रीजन है कि इंडिया में इतने ज्यादा होते हैं, ठीक है. और इसको 250 वर्ड्स में ही 150 वर्ड्स में आप करके मुझे देंगे डेली, ठीक है. सो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. इंट्रोडक्शन हमें देना है, मैकेनिज्म कैसे करें हम इसका, डिस्कस द फिजिकल स्ट्रक्चर हमें देना है, इनफैक्ट सर इसको कंक्लूड कर देना है फिर लास्ट में. ओके, सो इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रैपिडली रोटेटिंग A storm system characterized by a low pressure center and a closed low level atmospheric circulation, strong winds and a spiral arrangement of thunderstorms and produce heavy rains and squalls. मतलब आपका जो ऐसी कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में जिसमें आपका स्पिरल मतलब राउंड स्पाइरल शेप में ऐसी लो प्रेशर क्रिएट होता है कि उसमें जो स्टॉर्म हवाएं हैं, जो तेज हवाएं हैं, वो रोटेट करती हैं, राइट. और बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है. और अ क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, राइट. तो ये रीजन होते हैं एक किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्रिएट होने के लिए. द इंडियन कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट साइक्लोन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अबाउट 8% ऑफ द लैंड इज वल्नरेबल टू साइक्लोन, ऑफ विच कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस 2 or 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन अ ईयर, ठीक है. सो 2 or 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन तो हर साल हमारे यहाँ आ जाते हैं. और 8% जो पार्ट है ना इंडिया वर्ल्ड का, वो हमारा इंडिया का, वो इसलिए अफेक्टेड है, राइट. सो लेट्स सी, नेक्स्ट इज डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन एंड स्ट्रेंथ. अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रेफर्ड टू बाय डिफरेंट नेम्स इंक्लूडिंग हरिकेन, टाइफून, ट्रॉपिकल स्ट्रॉम, साइक्लोनिक स्ट्रॉम, ट्रॉपिकल डिप्रेशन एंड सिंपली साइक्लोन. तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं जो डिफरेंट हम जो साइक्लोन के और डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम उसके अकॉर्डिंग टू की एरिया के अकॉर्डिंग उसका नाम बदल जाता है, राइट. तो हरिकेन होता है वो अटलांटिक ओशन में होता है, टाइफून हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशंस, राइट. हम इंडिया में उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन, बिकॉज ट्रॉपिक्स के हम बहुत करीब हैं, राइट. सो ट्रॉपिक के पास जो होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है. सो इसकी कैटेगराइजेशन कर देंगे हम कि किस किस बेस पे जो हमको क्या क्या नाम दिया जाता है. तो जो इसकी स्पीड के बेसिस पे हम साइक्लोन को डिवाइड करेंगे 5 भागों में. तो 5 कौन कौन से पार्ट्स हैं. तो 90 to 125 किलोमीटर पर आवर जिसकी स्पीड होगी ना जिस तूफान की, तो उसको हम बोलेंगे नेग्लिजिबल हाउस डैमेज, छोटा मोटा उससे ये इफेक्ट हो गया, सम डैमेज और टू ट्री एंड क्रॉप्स ये हो गया. 125 से 164 तक हो गया माइनर हाउस डैमेज, सिग्निफिकेंट डैमेज टू ट्री क्रॉप्स एंड व्हीकल एंड हाई रिस्क ऑफ पावर फेलियर, ठीक है. इतना ज़्यादा अगर स्पीड होगी तो, और इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो 224 किलोमीटर तक पर आवर तक, तो सम रूफ एंड स्ट्रक्चरल डैमेज, सम कारवांस डिस्ट्रॉयड एंड पावर फेलियर्स. और उससे भी ज़्यादा हुआ तो 225-279 KMPH ये होता है सिग्निफिकेंट रूफिंग लॉस, स्ट्रक्चरल डैमेज, व्हीकल्स वर ब्लॉन अवे, मतलब व्हीकल उड़ जाते हैं वहाँ जो आसपास के एरिया के, और विद द वाइड स्प्रेड पावर फेलियर, पावर फेलियर बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है. सो इससे भी ज़्यादा अगर सबसे बड़ा कोई साइक्लोन होगा ना अब तक का, तो वो 280 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड होगी इसकी, तो उसको हम एक्सट्रीमली डेंजरस एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन में काउंट करेंगे. जैसे हमारा एम्फन था, अभी याद है ना एम्फन आया था बंगाल में, तो वो उसको हम इसमें रखेंगे. सो मैकेनिज्म एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है, मूवमेंट कैसे होते हैं इसमें. ट्रॉपिकल रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ दीज सिस्टम्स विच फॉर्म एंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ओवर ट्रॉपिकल सीज. ये ट्रॉपिकल सीज के ऊपर ही होता है इसका मूवमेंट, इसीलिए हम इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं. साइक्लोन रेफर्स टू दियर विंड मूविंग इन द सर्कल व्हीर्लिंग अराउंड द दियर सेंट्रल क्लियर आई विद दियर विंड्स ब्लोइंग काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द
सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ मूव करता है, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा उल्टा ऐसे मूव करता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में आपका क्लॉकवाइज मूव करता है. ठीक है, जैसे क्लॉक करता है, राइट. सो ऐसे, सो द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर इज ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट. आपको बताया मैंने कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती रहती है. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंकते और उसको यहाँ जाना चाहिए था, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ये थोड़ा सा और इसके राइट साइड में चला जाएगा. ठीक है, सो फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स टिपिकली फॉर्म ओवर लार्ज बॉडीज ऑफ रिलेटिवली वार्म वाटर. ठीक है, तो जो गर्म पानी होता है, वार्म वाटर, उसके ऊपर ज़्यादातर ये फॉर्मेशन होता है इसका. दे ड्राइव देयर एनर्जी थ्रू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन सर्फेस, विच अल्टीमेटली रिकंडेंसेस इन टू क्लाउड्स एंड रेन वेन मॉइस्ट एयर राइजेज एंड कूल्स टू सेचुरेशन. ठीक है, तो ये होता है कि जब ओशन वाटर थोड़ा सा एवेपरेट होता है गर्म होने के कारण, और फिर इसको जो मॉइस्ट एयर है वो राइज, तो जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तब वहाँ पे एंड कूल्स टू सेचुरेशन, एक सेचुरेशन पॉइंट तक वो कूल हो जाता है. वहाँ पे ट्रॉपिकल जो साइक्लोन के पैदा होने का सबसे इफेक्टिव वो रीज़न होता है कि वहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मिलते हैं, राइट. सो देन उसके बाद क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर टिपिकली बिटवीन 100 to 2000 किलोमीटर, इतने का डायमीटर होता है, इतना बड़ा इसका डायमीटर होता है, इतने में फैल सकता है एक बार में ये. सो वंस द मैक्सिमम विंड स्पीड एक्सीड्स 119 किलोमीटर 74 माइल्स पर आवर, द स्टॉर्म इज क्लासिफाइड एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ये इसका कंडीशन होता है कि जो विंड स्पीड है ना 119 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाती, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसीडर करते हैं. द स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग विंड्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द अर्थ्स रोटेशन एज एयर फ्लोज इन वॉल्स टूवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, उसके जो फिर जो बाहर से जो प्रेशर आएगा वो इनवर्ड में पुश करेगा उस एयर को, राइट, इनवर्ड अंदर की साइड, तो इसीलिए वो गोल गोल बन जाता है, राइट. लो सरफेस एट अ रिजल्ट दे रेयरली फॉर्म विद इन 5 degrees ऑफ द इक्वेटर. सो यही रीजन है, बिकॉज आपका जो प्रेशर एरिया ही इक्वेटर के पास रहेगा, तो इक्वेटर के आसपास के एरिया में ही ट्रॉपिकल साइक्लोन पाए जाते हैं, यही रीजन है. ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, कैसे होता है ये, इसे एक क्वेश्चन का भी पार्ट था ये. आई वॉल एट द सेंटर ऑफ मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन एयर सिंक्स रेदर देन राइजेज. मतलब एयर डूब जाता है बढ़ने के बजाय, ऊपर उठने के बजाय. ठीक है, देयर बाय क्रिएटिंग अ क्लियर आई, मतलब उसी में हम उसकी आई जो है उसका सेंटर पॉइंट है वो देख सकते हैं. वेदर इन द आई इज नॉर्मली काम एंड फ्री ऑफ क्लाउड्स. आप 8th class साइंस की बुक में ये चैप्टर मिलेगा, आप वहां जाकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है, आई और जो फॉर्मेशन होता है, वेदर इन द आई इज नॉर्मली काम एंड फ्री ऑफ क्लाउड्स अल्दो द सी मे बी एक्सट्रीमली वायलेंट. ठीक है, सो उसका जो अंदर का वेदर होता है ना, किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर का जो टेम्परेचर है और वेदर है वो ठीक होगा, बट ये जो सी मे बी एक्सट्रीमली वायलेंट, बट जो आउटर जो सरफेस आउटर जो वेदर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इसके लिए, और वो इसको ज़्यादा वायलेंट बनाता है, राइट. नेक्स्ट, रेन बेस्ड बैंड्स इन एडिशन टू डीप कन्वेक्टिव सेल्स कम्पैक्ट रीजन्स ऑफ वर्टिकल एयर मूवमेंट सराउंडिंग द आई, देर आर ओपन सेकेंडरी सेल्स अरेंज इन बैंड्स अराउंड द सेंटर. ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि रेन का जो बैंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन क्रिएट होती है ड्यू टू दिस कोरियोलिस फोर्स, और ड्यू टू दिस ये हमारा जो वेपरेशन का जो क्रिएशन होता है इसके अंदर, तो इस वजह से जो आई वाला जो पार्ट है वहाँ पर वेदर कंडीशंस ये रेन क्रिएट करती हैं, राइट, वायलेंट एयर जो होती है. देयर दीज बैंड्स कॉमनली कॉल्ड रेन बैंड्स स्पायरल इनटू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. बताया ना मैंने, वो जो स्पायरल हो जाता है तो बीच में फिर रेन हो जाता है. आउटफ्लो द अपर लेवल्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन फीचर विंड्स हेडेड टू अवे फ्रॉम द सेंटर टू द स्टॉर्म विद एंटी साइक्लोन रोटेशन. ओके, सो एंटी साइक्लोन रोटेशन की तरफ ये मूव कर जाता है. विंड्स एट द सर्फेस आर स्ट्रांगली साइक्लोनिक वीकेंड विद द हाइट एंड इवेंचुअली रिवर्स. ओके, सो विंड्स जो होती हैं वो सर्फेस पे जाके स्ट्रांगली जो साइक्लोनिक बन जाती है, मतलब बहुत वायलेंट बन जाती है. वीकन विद हाइट, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट उसकी बढ़ती जाएगी हवाओं की, वो कमज़ोर होती जाएंगी. और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओ दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द वार्म कोर एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. मतलब ये जो सेंटर होता है उसका, इसमें
वार्म कोर, इसकी कोर जो है वार्म पाई जाती है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, याद रखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑलमोस्ट अननोन इन साउथ अटलांटिक ड्यू टू द कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग एंड शियर एंड अ वीक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि वहाँ का जो एटमोसफेयर है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके अटलांटिक, साउथ अटलांटिक में, अटलांटिक ओशन ऐसे है ना एस की शेप में, तो यहाँ पे जो साउथ वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको वहाँ पे जो ट्रॉपिकल के नियर, यहाँ पे आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं मिलेंगे, मेनली मिलेंगे इंडियन ओशन के और यहाँ के आसपास। ठीक है, द नियर सरफेस विंड फील्ड ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज बाय एयर रोटेटिंग रैपिडली अराउंड अ सेंटर ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, सो नियर सरफेस विंड और जो सरफेस के पास वाली जो विंड होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, एयर रोटेटिंग रैपिडली अराउंड द सेंटर ऑफ सर्कुलेशन, मतलब जो नीचे की साइड ये ज़्यादा तेजी से घूमती है। Once aloft, air flows away from the storm's center, producing a shield of cirrus cloud. Cirrus cloud मतलब पतले, मतलब स्ट्रिंग जैसी इसमें दिखाई देती है, उसको सिरस क्लाउड बोलते हैं। कई तरह क्लाउड्स होते हैं ना, जब आप क्लाउड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो एक होता है निम्बस, एक होता है ये सिरस, तो इसमें मतलब आपका क्लाउड जैसा नहीं होता, ऐसी लाइन है, ऐसी लाइंस दिखती हैं उसमें, स्ट्रिंग्स जैसा, बाल जैसा। ठीक है, तो दीज आर द हाइएस्ट एंड कोल्डेस्ट क्लाउड्स इन द साइक्लोन। ओके, तो जब साइक्लोन क्रिएट होता है तो सिरस क्लाउड वो जनरेट होते हैं। दे इंटेंसीफाई वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपको पता है इम्पैक्ट हुआ कोई अच्छा तो इम्पैक्ट होगा नहीं। सिंस प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर दीज स्टॉर्म्स इज वार्म ओशन वाटर्स, देयरफॉर दे आर typically strongest when over or near water and weaken quite rapidly over land, मतलब जब लैंड पे आते आते ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, राइट, लैंड पे आते आते ये वीक पड़ जाता है। सो दैट इज हाउ कोस्टल रीजन्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कम्पेयर टू द इनलैंड रीजन। बिल्कुल, जो आपका ये कोस्टल रीजन है ना, मतलब यहाँ पे जो सी है, सी में आएगा तो ऑफकोर्स जो पास का एरिया उसमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा बजाय इनलैंड, मतलब बहुत अंदर जाने के। ठीक है, सो कोस्टल डैमेज मे बी कॉज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन, हाई वेव्स ड्यू टू विंड्स, स्ट्रॉन्ग सर्ज ड्यू टू विंड एंड सीवियर प्रेशर चेंजेस एंड द पोटेंशियल ऑफ स्पॉइंग टोर्नेडोज, मतलब बहुत ज़्यादा तेज तूफान आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल्सो ड्रॉ इन एयर फ्लो अ लार्ज एरिया विच कैन बी अ वास्ट एरिया फॉर द मोस्ट सिवियर साइक्लोन्स एंड कंसनट्रेट द प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश ऑफ द वाटर कंटेंट इन द एयर इन टू अ मच स्मॉलर एरिया। तो जो ट्रॉपिकल एरिया साइक्लोन्स होते हैं, बहुत छोटे एरिया में भी ये बहुत ज़्यादा बारिश करा सकते हैं। ठीक है, सो द कंटिन्यूअल रिप्लेसमेंट ऑफ द मॉइस्चर बियरिंग एयर बाय द न्यू मॉइस्चर बियरिंग एयर आफ्टर इट्स मॉइस्चर हैज़ फॉलन एज रेन मे कॉज एक्सट्रीमली हैवी रेन एंड रिवर्स फ्लडिंग ऑफ 40 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। मतलब ये जो इसका मॉइस्चर है, द कंटिन्यूअल रिप्लेसमेंट ऑफ मॉइस्चर बियरिंग एयर, जो रिप्लेसमेंट है, जो मॉइस्चर है बाहर से जो एयर आएंगी, वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ये जब मिलता है, हाई टू लो जाता है ना एयर, बताया ना मैंने आपको, हाई टू लो प्रेशर जब एयर जाता है वहाँ पे लो प्रेशर होगा इसमें, तो फिर क्या होगा, जो मॉइस्चर बियरिंग एयर होती है आफ्टर मॉइस्चर हैज फॉलन एज रेन मे कॉज एक्सट्रीमली हैवी रेन एंड रिवर फ्लडिंग अप टू, ये देखो रिवर्स का जो ड्यू टू हैवी रेन इतना ज़्यादा फ्लडिंग आ जाता है, मतलब आसपास की जो रिवर्स हैं उसमें फ्लडिंग आ जाता है। कंक्लूजन है, इंडिया इज हाईली वल्नरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा इससे खतरनाक सिचुएशन में है कि इंडिया में ज़्यादा ये चांसेस है कि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो नेचुरल हजार्ड स्पेशली साइक्लोन्स एंड द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द होल वर्ल्ड, हैविंग अ कोस्ट लाइन ऑफ, इतना आपको पता है हमारा 7516 में कितने स्टेट आते हैं, ये आप कमेंट्स में लिखेंगे, हमारे कोस्टल एरिया में कितने स्टेट्स आते हैं टोटल। द कंट्री इज एक्सपोज टू नियर 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन, सो जो कंट्री है हमारा नियरली 10% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा एक्सपोज है, इतने एरिया पे हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमें इफेक्ट कर सकता है, राइट। सो दीज आर अबाउट माई डिफरेंट हैंडल्स, यू कैन ज्वाइन मी देयर, और अनअकैडमी पे मेरी क्लास होगी 11 AM, 6 PM, और यूट्यूब पे क्लास होती है 4 PM, राइट। सो दिस इज मी, दिस इज अबाउट मी, निधि सिंह।
I have been teaching UPSC CSE students from last 3 years. Okay, so please join my Unacademy classes as well. बहुत अच्छी classes होती हैं, right? Current affairs का भी class है, तो आप question लिखिए, उसका answer आप लिख के मुझे दिखाइए. Then आपको कोई problem हो तो you can ask me, right? अगर आपको question अच्छे समझ आएगा, because हम जब geography start करेंगे तो आपको ये जो wind current, tropical convergence zone, आपका monsoon area, ये जब आप clearly आपको बताएंगे currents क्या होते हैं, तो आपको और आपके जो टॉपिक्स हैं क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.